नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत करते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पर। देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार एक सीजन का सबसे ठंडा दिन साबित हुआ है। बता दें, दिल्ली में न्यूनतम तापमान डबल डिजिट से भी कम दर्ज किया गया है। इस लिहाज से ठंड ने अब दिल्ली NCR में आधिकारिक रूप से दस्तक दे दी है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम यानी कि 9.2 डिग्री दर्ज किया गया, यानी लोगों को अब ठंड से बच के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा और यह मौसम के हिसाब से औसत तापमान है। बीती रात न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत तापमान से 2 डिग्री कम है। भारत मौसम विभाग ने शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह हल्के से मध्यम कोहरे का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 26 और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। IMD के मुताबिक तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, यानी लोगों को बच के रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वहीं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक राजधानी में गुरुवार को AQI बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में रही, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटे का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 390 दर्ज किया गया है। रविवार को मामूली सुधार के बाद दिल्ली में AQI में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। शहर का AQI मंगलवार को 365, सोमवार शाम 4 बजे 348 था, जबकि रविवार को यह 301 दर्ज किया गया था। बुधवार को 358 दर्ज किया गया था। इसके बाद गुरुवार को दिल्ली सरकार ने ग्रैब तनी की नियमों को पहले की तरह लागू करने का फैसला किया था। बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच बेहद ही गंभीर श्रेणी में माना जाता है।